अब तक आपने देखा मायासुर का मिथ्या स्वप्न खंडित करने हेतु कान्हा स्वयं स्वप्न में प्रवेश कर मंत्रमुग्ध बांसुरी बजाते हैं। बांसुरी की ध्वनि सुन चमगादड़ रूपी मायासुर सम्मोहित हो स्वयं को कान्हा के चरणों में पाता है एवं वास्तविकता में मायासुर ये देख आश्चर्यचकित हो उठता है तथा पूरी घटना का विवरण कालिया के समक्ष रखता है। दूसरी ओर केशनी कंस को विष्णु भक्ति में लीन होता देख कंस का ध्यान भंग कर देती है। गोकुल में यशोदा की सेहत देख समस्त गोकुल परिवार व्याकुल हो उठता है। अंततः रसातल में मायासुर सुनिधि का रूप धारण कर पारस को विष्णु मूर्ति खंडित करने के लिए विवश करता है। अब आगे लो पकड़ो ये लोधन और तोड़ दो इस मूर्ति को। कुशलता और नागलोक से शीघ्र वापसी का संदेश देने के लिए मुझे गोकुल शीघ्र पहुंचना होगा। मुझे अपनी गति और बढ़ानी होगी। मायासुर मैं चाहूं तो अभी इसी क्षण तो मैं समाप्त कर दूं, किंतु ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैंने ब्रह्मदेव को वचन दिया है। समय का खेल देखो, मुझसे एक वचन नहीं तोड़ा जा रहा और तुम हो कि आस्था और ममता की मर्यादा को तोड़ने पे तुले हो। नहीं माँ, मैं कैसे अपने भगवान विष्णु की मूर्ति तोड़ सकता हूँ। माँ पुत्र, ये केवल एक मूर्ति है, निर्जीव मूर्ति, साक्षात विष्णु नहीं। माँ, भगवान विष्णु की मूर्ति भी साक्षात भगवान विष्णु का ही रूप होते हैं। यही सत्य है, चाहे वो पत्थर से क्यों ना उकेरे गए हो अथवा मिट्टी से क्यों ना बनाए गए हो। सत्य केवल एक ही है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारी माँ बोल रही है इस मूर्ति को तोड़ने के लिए, किंतु तुम अपनी माँ के बीच इस मूर्ति को ला रहे हो। इसका अर्थ है ये निर्जीव मूर्ति तुम्हारी माँ से ज्यादा श्रेष्ठ है। नहीं माँ, तुम तो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ हो। यदि हूँ तो फिर तोड़ो इसे, फिर तोड़ो इसे, फिर तोड़ो इसे। माता सुनिधि, किसी के विश्वास पर आघात करना अपराध है, पाप है। अरे ये तो वही मुरलीधर बालक है जिसे मैंने पारस के स्वप्नों में देखा था, ये यहाँ कैसे पहुंच गया? माता सुनिधि, अपने आने का कष्ट क्यों किया? मैंने आपको वचन दिया था ना कि मायासुर से मैं आपके पुत्र की रक्षा करूंगा, फिर क्यों आई आप यहाँ? अच्छा, तो ये है इस नाटक के पीछे की कहानी। तभी कहूँ कि ये मायावी बालक मुझे बार बार क्यों दिख रहा है। सुनिधि, उचित नहीं किया तुमने इसे यहाँ भेजकर, कदापि उचित नहीं किया है। अब परिणाम भुगतने को तैयार रहना सुनिधि। माँ हूं ना, रहा नहीं गया इसलिए मातृत्व धर्म निभाने आ गई। किंतु माता का धर्म तो पुत्र को धर्म के मार्ग पर ले जाना होता है, अधर्म के नहीं। आप उसे विमुख कर रही है जो कि अन्याय है। वह कैसे? मेरी मैया कहती है संसार में सब कुछ माया से बना है, और विष्णु तो संसार के सबसे बड़े मायापति हैं। पारस ने बिल्कुल सत्य ही कहा, विष्णु की आकृति पत्ते में हो या शिला में, मिट्टी में हो अथवा मन में हो, वही जो साक्षात विष्णु है। उपदेश की बातें केवल सुनने में ही ठीक लगती हैं, किंतु आचरण में उतारने के लिए नहीं। समझे, तुम अभी बालक हो, नहीं समझ पाओगे माँ की ममता की पीड़ा को। पुत्र पारस, लो तोड़ दो इस मूर्ति को। प्रतीत होता है तुम ऐसे नहीं मानोगे मायासुर, कोई दूसरी युक्ति लगानी होगी। माता संगी क्षमा करे, मुझसे भूल हुई। पारस आपका पुत्र है, उस पर आपका अधिकार है, इस नाते आपकी आज्ञा का पालन करना उसका धर्म है।
अंततः बहका ही लिया मैंने इस मायावी बालक को अपनी बातों में। सुन लिया ना, लो अब शीघ्र तोड़ दो इस मूर्ति को। कदापि नहीं तोड़ूंगा अपने इष्ट की मूर्ति, मृत्यु को गले लगा लूंगा किंतु मूर्ति खंडित नहीं करूंगा। ठीक है, फिर मैं ही कर देती हूँ। नहीं माँ, ऐसा मत करो। मायासुर जिन हाथों ने शिव धनुष उठाया था, आज उन्हीं हाथों से मैं तुम्हें ये दंड दूंगा। यदि तुम्हारी भावना कलुषित है तो ये साधारण लौदन शिव धनुष के समान ही भारी हो जाएगा और तुम उठा नहीं पाओगे। लाओ, इस लोह दंड को सौंप दो मुझे। ये लीजिए। मेरी माँ कष्ट में है। ये तुम्हारी माँ नहीं अपितु मायासुर है। मायासुर है। क्यों मायासुर, सत्य कहा मैंने? मायासुर सुनिधि मैया का रूप धारण करना बंद करो। लुका छुपी का खेल बहुत खेल लिया, अब आ जाओ अपने वास्तविक रूप में। सहायता करो, सहायता करो मेरी, अन्यथा मेरी बुझाएं। मायासुर तुम्हें अपनी सहायता स्वयं करनी होगी। कैसे? अपने विचारों से। यदि तुम्हारा हृदय निर्मल होगा, हृदय में सच्ची भक्ति होगी, तो ये दंड पत्ते से भी हल्का हो जाएगा। यदि ऐसा हुआ नहीं तब? तब क्या? तब तुम्हारी सहायता वही कर सकता है जो सच्चा भक्त होगा। अब बोलो क्या निर्णय है तुम्हारा? पारस सच्चे भक्ति की श्रेणी में रहे या ना रहे? कर दे मूर्ति खंडित। नहीं नहीं नहीं, पारस सच्चे भक्त की श्रेणी में ही रहना। इस विष्णु की मूर्ति को कदापि खंडित मत करना, कदापि नहीं। मेरी सहायता करो। पारस लगता है इसे उपदेश मिल गया। आओ और इसकी सहायता कर दो। किंतु इतने भारी दंड को मैं बालक अकेले कैसे हटा पाऊंगा काना? वह भारी केवल मायासुर के लिए है पारस, तुम्हारे समान सच्चे भक्त के लिए नहीं। मन में कुछ जानने की जिज्ञासा है। पूछ कर शांत करो। कौन हो तुम? तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? मायासुर जिसकी मैया यशोदा मैया जैसी माँ हो, उसे तुम मूर्त नहीं बना सकते और नहीं चल सकते अपने स्वांग से। जाओ जाकर काली से कह दो कि काना आ गया है और यदि जीवित रहना चाहता है तो अपने सारे अवगुण त्याग दे। अवश्य अवश्य। मेरी सहायता करने के लिए धन्यवाद काना। मित्र की सहायता करना तो मित्र धर्म होता है, किंतु एक बात का मुझे बहुत दुख है। किस बात का? मैं अपनी माँ को पहचान क्यों नहीं पाया? क्यों मायासुर को अपनी माँ समझ बैठा और अपनी ही माँ पर संदेह कर बैठा? पारस एक बात गांठ बांध लो, संसार में कोई भी माता अपने पुत्र को अधर्म के मार्ग पर जाने की शिक्षा नहीं देती।
सदैव अपने पुत्र के लिए कल्याण की कामना करती है, स्वयं कष्ट सहती है, किंतु अपने पुत्र पे दुख की काली छाया भी नहीं पड़ने देती। इसलिए माँ संसार में सबसे महान है। तुम बहुत भाग्यशाली हो पारस कि तुम माता सनिधि के पुत्र हो। सत्य, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। अच्छा, अब आज्ञा दो। आज यही रुक जाते मेरे साथ? नहीं रुक सकता पारस। क्यों कान्हा? क्योंकि तुम्हारे समान किसी और को भी मेरी आवश्यकता है। किसे? मेरी मैया को। नंजी, मेरा लल्ला आ गया। मैया, मैया, ओ मैया, लल्ला। यशोदा, मेरा लल्ला आ गया। नंजी, नंजी, मेरा लल्ला आ गया। अच्छा हुआ लल्ला तू आ गया, तुझे देख लिया ना, अब मैं शांति से प्राण त्याग सकूंगी। नहीं भैया, ऐसी बात मत कहो भैया, तुम कहीं नहीं जाओगी। नित्य तुम मुझे आज्ञा देती हो ना, आज मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम्हें कहीं नहीं जाना है, तुम यहीं रहोगी मेरे साथ। तुम चली जाओगी तो मुझे दंड कौन देगा? अभी तो और दंड देना शेष है मैया। अच्छा लल्ला, मेरी एक बात मानेगा? हाँ मैया, बोलो मैया। तुझे वो लोरी आती जो तू रोज मुझसे सुनने की जिद करता है? हाँ, वो तो मेरी मन पसंद है। तू मुझे वो लोरी सुनाएगा? किंतु वो तो मैं तुमसे सोने के लिए सुनता हूँ ना मैया। हाँ लल्ला, आज तेरी मैया भी चीर निंद्रा में सोना चाहती। किंतु मेरी मैया मुझे नींद में अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं तुम्हें लोरी नहीं सुनाऊंगा, गीत सुनाऊंगा, मधुर गीत, ताकि तुम जाग जाओ और जागती रहो। बड़ा कठिन है ममता का वर्णित करना भावार्थ, माता पुत्र का प्रेम तो बढ़ता रहे निस्वार्थ। हे यशोमती मैया, पुकारे तुझे तेरा कन्हैया। हे यशोमती मैया, पुकारे तुझे तेरा कन्हैया। लल्ला में
मुझे आभास हो रहा है मायासुर, तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, इसलिए ये बहकी बहकी बातें कर रहे हो कि वो मायावी बालक तुम्हारे स्वप्न से निकलकर प्रत्यक्ष रसातल में प्रवेश कर गया। मेरी बात पर विश्वास करो कालिया, जो मैं बोल रहा हूँ सत्य बोल रहा हूँ, आंखों देखी बोल रहा हूँ, वो बालक प्रत्यक्ष है, मुझसे अधिक मायावी। चलो मान लेते हैं तुम्हारी बात, किंतु वो रसातल में कैसे प्रवेश कर गया? उसका मार्ग तो मेरे लोक से जाता है। इसीलिए तो वो नागलोक से होकर गया है। नागलोक? हाँ। असंभव, मेरी अनुमति के बिना वहाँ कोई प्रवेश भी नहीं कर सकता। तुम तो भली भांति जानते हो मायासुर, फिर उसे अनुमति किसने दी होगी? तुम्हारी पत्नी सुनिधि, उसी ने अपने पुत्र पारस की रक्षा के लिए उसे वहां भेजा है। सुनिधि! हे प्रभु, हे कृपा निधान, दया कीजिए, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए और मेरे स्वामी को सद्बुद्धि दीजिए। भगवान सद्बुद्धि दीजिए। मेरे विरुद्ध षड्यंत्र करोगी तुम? कौन है वो मायावी बालक? यहाँ क्यों लेकर आई हो उसे? मैं नहीं लेकर आई, सत्य कहती हूँ, उस बालक से मेरा कोई संबंध नहीं है। फिर कहाँ से आया वो? मेरी योजनाओं में बाधा उत्पन्न करने। गोकुल से। गोकुल से? किंतु गोकुल की उस विषाक्त यमुना को पार करना असंभव है। लालिया, मैंने तुमसे कहा था वो बालक मायावी है, वो निश्चित ही अपनी माया से यहाँ आया है। हाँ तो गया है, किंतु यहाँ से जीवित नहीं जाएगा। मुझे सौगंध है अपने विष की, उसकी चिता यही जलाऊंगा मैं, साथ ही तुम्हारे उसको पुत्र पारस की भी। मुझे परास्त करने का प्रयास, घातक कालिया नाग को। देखो मेरे विष की शक्ति को, स्वयं विष का स्वामी भी उसके प्रभाव को रोकने में असमर्थ है। भले ही यमुना में मैं और विष नहीं उगल सकता, किंतु इसके पान के बाद मैं पूरे संसार का विनाश कर दूंगा। फिर देखता हूं कौन आता है मुझे रोकने संसार का विनाश करने से।